सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द स्टोरीज टाइटल इज़ द ओवरकोट. अब मैं आपको ओवरकोट की एक इमेज दे देती हूँ और ये जो स्टोरी है ये पूरी ओवरकोट से रिलेटेड है. एक ओवरकोट खरीदने के लिए एक पर्सन जो है कैसे अपने काफ़ी सारे एक्सपेंसेस को अरेंज करता है, कितनी जगह से पैसे बचाता है, उसके बाद वो ओवरकोट खरीद पाता है. तो चलिए हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को. अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अ बजट फाइंड्स दैट ही नीड्स टू स्पेंड सम ऑफ हिज मनी ऑन एन एसेंशियल आइटम. तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो जब अपने बजट वगैरह को देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसे कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे बिकॉज उसे कुछ एसेंशियल आइटम्स चाहिए. और ये एक सर्टेन डिपार्टमेंट का एक सर्टेन ऑफिसर है. बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इनकी रैंक बोलिए या फिर इनकी हाइट. एंड वी कैन से लाइक अ शॉर्ट ऑफ स्ट्रेचर. स्ट्रेचर मीन्स छोटे कद का एक पर्सन है. पोक मार्क्ड है. पोक मार्क्ड मीन्स दैट इनके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं. इनके हेयर का कलर रेड है. शॉर्ट साइटेड है. शॉर्ट साइटेड मीन्स जिसे आंखों से कम दिखाई देता है. विथ अ बार्ड फॉरहेड. बार फॉरहेड मीन्स होता है दैट जिस आपके सर पे बहुत कम बाल हो. एंड इसके चिक्स भी रिंकल्ड हैं. एंड कॉम्प्लेक्शन की अगर बात की जाए तो इन्हें सैंग्विन बोला जाता है. सैंग्विन मीन्स क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्शन ऑफ द डार्क ब्राउन कलर. तो ब्राउनिश टाइप का इनका फेस है. और ये जो ऐसा इनका कलर एंड स्ट्रेचर है इसके लिए जिम्मेदार किसको बताया गया है? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी दी गई है सेंट पीटर्सबर्ग को. इट मीन्स दैट सेंट पीटर्सबर्ग का जो क्लाइमेट है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के ज़्यादातर लोग सांवले होते हैं बिकॉज यहाँ का वेदर ही ऐसा हुआ करता था, इसीलिए इनका कलर भी ऐसा है. एज़ फॉर हिज ऑफिशियल स्टेटस ही वॉज वट इज़ कॉल्ड परपिचुअल टिटुलर काउंसिलर ओवर विच एज इज वेल नोन सम राइटर्स मेक अ मैरी एंड क्रैक देयर जोक्स ओबेइंग द प्रेज वर्दी कस्टम ऑफ अटैकिंग दोज हु कैन नॉट बाइट बैक. ओके, तो चलिए इस लाइन को समझिए देखिए. और अगर हम इनके ऑफिशियल स्टेटस की बात करें तो एक्चुअली इनको परपेचुअल टिट्यूलर काउंसिलर बोला जाता था. परपेचुअल मीन्स अनएंडिंग एंड टिट्यूलर मीन्स दैट ऑफ अ हाई रैंक. तो ये एक अनएंडिंग हाई रैंक वाले काउंसिलर हुआ करते थे. एंड इनकी एक्चुअली सम राइटर्स मेक मैरी, और काफ़ी सारे लोग जो है ना इनका मजाक भी उड़ाया करते थे. और राइटर्स जो कि राइटिंग वगैरह करते हैं वो भी मजाक करते थे एंड इनके ऊपर जोक्स क्रैक किया करते थे इनके जो कलीग्स होते हैं. और क्यों क्रैक करते थे? बिकॉज ये एक कस्टम है, एक रीति रिवाज है दैट लोग उसी के ऊपर अटैक करते हैं जो लोग बैक बाइटिंग नहीं करते हैं. लाइक जो आपको पलट कर जवाब नहीं देते हैं हम उन्हें ही अपना शिकार बनाते हैं हर चीज़ में. हिज नेम वॉज अकाके अकाकेविच. तो इतनी देर से हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे अब उनका नाम रिवील हो चुका है. उनका नाम है अकाके अकाकेविच. When and how he entered the department and who appointed him, no one could remember. तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि वो डिपार्टमेंट में कब एंटर हुए. इट मीन्स दैट कब से वो जॉब करने लगे, किसने उनको अपॉइंट किया, ये किसी के जानने वाली बात ही नहीं है. His superiors treated him in coolly despotic fashion. Despotic means होता है authoritative. तो उनके जो superiors रहते थे ना उनको like एकदम despotic fashion में, मतलब authoritative होकर उनको treat किया करते थे. सम सब चीफ वुड थ्रस्ट पेपर अंडर हिज नोज विदाउट सो मच एज कॉपी और हेयर इज नाइस इंटरेस्टिंग अफेयर और एनीथिंग एल्स एग्रीएबल एज इज कस्टमरी अमॉन्ग्स वेल ब्रेड ऑफिसर्स. तो देखिए अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इनका जो जॉब है वो है कॉपी करने का. वो चीज़ों को हमेशा कॉपी करते हैं, एक से दूसरे में कॉपी कर करके लिखते हैं. तो जो सुपीरियर्स हुआ करते थे वो तो इनको बहुत डेस्पोटिक होकर ट्रीट करते थे. यहाँ तक कि जो सब चीफ ऑफिसर्स जो थे वो भी इनके पास जो भी वर्क होता था उसको ला के दे देते थे और बोलते थे कॉपी, और या फिर बोलते थे कि तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग अफेयर है. एंड ये एक कस्टमरी है. इट मीन्स दैट ये एक रीति रिवाज टाइप का है. जो कि वेल ब्रेड ऑफिसर्स होते हैं वो अपने छोटे जो पोजिशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं. एंड इट टुक इट लुकिंग ओनली एट द पेपर एंड नॉट ऑब्जर्विंग हु हैंडेड इट टू हिम और वेदर ही हैड द राइट टू डू सो. और उसके बाद देखिए ये क्या करते थे, ये उस पेपर को ले लिया करते थे जो इनको काम सौंपा जाता था. यहाँ तक कि जो इनके सब चीफ ऑफिसर्स रहते थे वो भी उनको काम देते थे तो वो ले लेते थे. यहाँ तक कि देखते भी नहीं थे कि ये किसने दिया है एंड जिसने दिया है उसे अधिकार भी है या नहीं उनसे काम करवाने का. एंड सेट अबाउट कॉपिंग इट, और सीधे उनको कॉपी करने के लिए वो बैठ जाया करते थे.
द यंग ऑफिसर्स लाव्ड एट हिम एंड मेड फन ऑफ हिम एंड स्ट्रूड बिट्स ऑफ पेपर्स ओवर हिज हेड कॉलिंग देम स्नो. तो देखिए जो यंग ऑफिसर्स जो रहते थे ना, ये हंसते थे इनके ऊपर, और जो पेपर्स जो रहते थे, बिट्स ऑफ पेपर्स जो छोटे छोटे पेपर रहते थे, उनको स्ट्रू करते थे. स्ट्रू मीन्स होता है डिस्पर्स करना, ऐसे चारों तरफ बिखरा देते थे. एंड बोलते थे कि ये जो पेपर्स है एक्चुअली बर्फ है. बट अकाके अकाके विच एंसर्ड नॉट अ वर्ड एनी मोर दैन इफ देयर हैड बिन नो वन अदर बिसाइड हिमसेल्फ. अकाके अकाके विच कभी भी किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दिया करते थे. ऐसा लगता था जैसे उनके बीच, उनके अगल बगल में कोई बैठा ही नहीं है जो कि उन्हें परेशान कर रहा है. इट इवन हैड नो इफेक्ट अपॉन हिज वर्क. अमिट ऑल दीज एनॉइंसेज ही नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक इन अ लेटर. तो देखिए ये जो इतना जो काम करते थे और इतने सारे एनॉइंग फैक्ट्स होने के बावजूद, एनॉइंग मीन्स गुस्सा दिलाने वाली जो हरकत होती थी, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी इनके काम में इतनी सी भी गलती नहीं होती थी एंड एक भी मिस्टेक इनसे नहीं होता था. बट इफ़ द जोकिंग बिकम होल्ली अनबियरेबल, लेकिन अगर जोक जो है ना हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता था, एट दैट टाइम ही जॉग्ड हिज हैंड. जॉग्ड मीन्स क्या होता है, सडनली रैपिडली उसको मूव करना, अपने हाथ को झटकते थे और उनको बोलते थे अटेंडेंट्स को, ही वुड एक्सक्लेम और ज़ोर से चिल्लाकर बोला करते थे, लीव मी अलोन, व्हाई डू यू इंसल्ट मी. एंड देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज इन द वर्ड्स एंड द वॉइस इन विच दे वेयर अटर्ड. और उसके बाद बोलते थे मुझे छोड़ो, तुम क्यों मुझे परेशान करते हो. और जब वो बोलते थे तो कुछ स्ट्रेंज सा उनकी वॉइस लगा करती थी जब कभी वो इस वर्ड को अटर्ड करते थे. अटर्ड मीन्स होता है रिपीट करना. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर मैन हु लिव्ड सो एंटायरली फॉर हिज ड्यूटीज़. तो देखो ये बहुत मुश्किल है इस वर्ल्ड में किसी एक दूसरे पर्सन को पाना अकाके अकाके विच जैसा, जो कि अपनी ड्यूटीज़ को लेकर इतना ज़्यादा डिवोटेड रहता है. इट इज़ नॉट इनफ टू से दैट अकाके लेबर्ड द विथ जील. तो ये इनफ नहीं होगा बोलना दैट अकाके जो है ना उनकी, वो सिर्फ जील के साथ काम करते थे. जील मीन्स एनर्जी, इंथुजियाज्म के साथ करते थे. बट एक्चुअली वो अपने वर्क को एकदम लव के साथ किया करते थे. इन हिज कॉपिंग ही फाउंड अ वैरिड एंड एग्रीएबल एम्प्लॉयमेंट. और अपने कॉपिंग का जो उनका जो वर्क था ना, इसमें ये एग्रीएबल एम्प्लॉयमेंट थे. इट मीन्स दैट इनको ये अच्छा लगता था, खुद को ये पसंद था ये सब करना. आउटसाइड दिस कॉपिंग इट अपीयर्ड दैट नथिंग एग्जिस्टेड फॉर हिम. और अगर हम बात करें कि इन कॉपी, ये जो कॉपी करते थे, जो इनका जॉब है, इसके अलावा इनके लाइफ में क्या है, तो हमें यही मिलेगा कि कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखता था. ही गेव नो थॉट टू हिज क्लोथ्स. हिज अनड्रेस यूनिफॉर्म वॉज नॉट ग्रीन बट अ शॉर्ट ऑफ रस्टी मडी क्लाउडी. तो देखिए ये जो है ना अपने कपड़ों पर भी ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल. इनका जो अनड्रेस यूनिफॉर्म था, अनड्रेस यूनिफॉर्म मीन्स जो इनका जो ड्रेस का जो ये कैजुअल और इनफॉर्मल जो ड्रेस होता है, ये ना ही ग्रीन था ना ही रस्टी था. लाइक बट अ सॉर्ट ऑफ रस्टी, इट मीन्स दैट थोड़ा सा गंदा टाइप का था, मडी क्लाउडी जैसा लगता. The collar was low so that his neck, in spite of the fact that it was not long, देखिए collar जो है अपने जगह से थोड़ा नीचे घिसका हुआ था, इसीलिए इनकी जो गर्दन है वो जितनी दिखनी चाहिए उससे ज़्यादा ही long दिखती थी. seemed inordinately so as it emerged from it. एंड इनकी इनऑर्डिनेटली मीन्स होता है मोर देन एक्सपेक्टेड. तो जितनी गर्दन को निकली हुई रहनी चाहिए उससे ज़्यादा निकली हुई फील होती थी. एट द नेक्स ऑफ दोज प्लास्टर किटेंस, और ऐसा लगता था जैसे कि प्लास्टर किटेंस जो कि रशियन फॉरेनर्स ले लेकर घूम घूम के बेचते हैं, तो उनकी जो ऑलवेज हेड जो है ना वेग होते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, वैसे इनकी गर्दन ऑलवेज हिलती रहती थी. ऑन रीचिंग होम ही सेट down at once at the table, supped his cabbage soup up quickly. He rose from the table and copied papers which he had brought home. तो देखो जब वो घर पहुँचते थे तो घर पहुँचने के बाद वो टेबल पर बैठते थे और अपना सप मीन्स होता है सपिंग करना या फिर सपर डिनर करना भी बोल सकते हैं. तो कैबेज सूप जो हुआ करता था उसको खाते थे जल्दी से एंड टेबल से उठते थे. टेबल से उठने के बाद ये ना अपने जो पेपर्स रहते थे वो अपने घर भी ले जाते थे कॉपी करने के लिए. इफ़ देयर हैपन टू बी नन ही टुक कॉपीज फ्रॉम हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ. और अगर कॉपी नहीं हुआ करते थे करने के लिए तो ये खुद कुछ ना कुछ कॉपी करते थे फॉर हिज ओन ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन. स्पेशली इफ द डॉक्यूमेंट वॉज नोट वर्दी नॉट एन अकाउंट ऑफ इट्स स्टाइल बट ऑफ इट्स बींग एड्रेस टू सम डिस्टिंग्विश्ड पर्सन. तो देखिए इन्हें कुछ ना कुछ कॉपी करना ऑलवेज पसंद था. तो अगर इनको कुछ नोट वर्दी नहीं भी मिलता था, लाइक जिसे कॉपी
करना इन्हें पसंद नहीं है, इनके स्टाइल का नहीं है, तो भी ये कुछ ना कुछ लेकर ऑलवेज कॉपी किया करते थे। डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन मीन्स डिफरेंट पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लेकर ये कॉपी करते थे। हैविंग रिटन टू हिज हार्ट्स कंटेंट ही ले डाउन टू स्लीप स्माइलिंग एट द थॉट ऑफ द कमिंग डे ऑफ व्हाट गॉड माइट सेंड हिम टू कॉपी ऑन द मॉरो। तो देखिए अब ये क्या करते थे, रात के टाइम में जब सोते थे तो इनके हार्ट में एक कंटेंट रहता था, एक सेटिस्फेक्शन रहता था, और ये स्माइल करते थे कि पता नहीं गॉड कल मुझे कौन से डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए देगा, इट मींस पता नहीं कल मेरे डेस्टिनेशन में क्या होगा। देयर एग्जिस्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग अ पावरफुल फो ऑफ ऑल हु रिसीव्स अ सैलरी ऑफ 4,000 रूबल्स अ ईयर और देयर अबाउट्स। अब देखिए देयर एग्जिस्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग अ पावरफुल फो, तो सेंट पीटर्सबर्ग में जो भी रहते हैं उनका एक अच्छा खासा दुश्मन हुआ करता था, स्पेशली उन पर्सन्स का जिनकी सैलरी ना इतनी हुआ करती थी, और 100 रूबल्स, और रूबल्स मीन्स वहाँ की जो करेंसी है उसे बोलेंगे। दिस फो इज नो अदर दैन द नॉर्थन क्लोड, और ये जो दुश्मन है ये दुश्मन और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ की ठंडी हवाएं हुआ करती थी। ऑल दो इट इज सेट टू बी वेरी हेल्दी, हालांकि लोग इसे बोलते हैं कि ये हवाएं बहुत हेल्दी भी होती है। एट एन आवर वैन द फोरहेड्स ऑफ इवन दोज हु ऑक्यूपाई एग्जॉल्टेड पोजिशंस एक्ट विद द कोल्ड एंड टीयर्स स्टार्ट्स टू देयर आइज द पुअर टिटुलर काउंसिलर आर समटाइम्स क्वाइट अनप्रोटेक्ट। कि ऐसा बोला गया है कि जो जिनकी पोजीशन बहुत एग्जॉल्टेड है, इट मीन्स जो इनसे भी ऊंचे रैंक के जो पर्सनस हैं उनके भी फॉरहेड पर कोल्ड हवाओं के चलते एंड कोल्ड जो ब्रीजेस चलते थे उसके चलते टीयर्स आ जाते थे उनके आइज में। और जब काउंसिलर की बात करें, हम इनकी बात करें अकाकी विच की, तो ये तो कम्प्लीटली अनप्रोटेक्टेड थे, इनके पास तो ठंड से बचने के लिए ऐसा कुछ था भी नहीं। देयर ओनली द सेलिवेशन लाइज इन ट्रेवर्सिंग एज क्विकली एज पॉसिबल इन देयर थिन लिटिल ओवर कोट 5 or 6 स्ट्रीट्स एंड देन वार्मिंग देयर फीट इन द पॉटर्स रूम एंड सो थॉविंग ऑल देन टैलेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर ऑफिशियल सर्विस विच हैड बिकम फ्रोजन ऑन द वे। तो देखिए अब ये क्या बोला गया यहाँ पर, दैट इनके लिए एक ही प्रोटेक्शन का रास्ता था, सेल्वेशन मीन्स होता है प्रोटेक्शन, कि ये जल्दी से जल्दी उस रास्ते से होकर गुजर जाए, और इन जो लिटिल ओवरकोट जो था यही इनके लिए एक सेल्वेशन था, सेल्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, और ये 5-6 रास्ते जो है क्रॉस करके जाते थे, और इनके जो पॉटर्स के रूम में कैसे वो जल्दी से घुस जाए यही इनका एक प्रोटेक्शन हुआ करता था। एंड आफ्टर दैट वो उनकी जो स्किल जो रहती है, जो टैलेंट जो था, जो रास्ते में पूरी तरीके से फ्रोजन हो चुका था, अब उनको वापस से वो वर्क पर लगाया करते थे। यू मस्ट नो दैट अकाके विच ओवर कोट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल टू द ऑफिशियल्स। अब देखिए पहले ही लोग इनका इतना मजाक उड़ाते थे, और अकाके विच की जो ओवरकोट है अब लोगों के लिए अच्छा खासा टॉपिक बन गई थी जिससे कि वो उनका और मजाक उड़ा सके। दे इवन रिफ्यूज्ड इफ द नॉबल नेम ऑफ ओवरकोट एंड कॉल्ड इट ड्रेसिंग जैकेट। तो देखिए अब ये इनके जो ओवरकोट का नाम तो ओवरकोट ही होता है, लेकिन अब ये मजाक उड़ाने के पर्पज़ से ड्रेसिंग जैकेट इनका नाम रख दिए थे ओवरकोट का। सीइंग हाउ द मैटर स्टूड अकाके विच डिसाइडेड दैट इट वुड बी नेसेसरी टू टेक the overcoat to Petrovich the tailor who lived somewhere on the fourth floor of a dark staircase and who in spite of his having but one eye and poke marks all over his face busied himself with considerable success in repairing the trousers and coats of officials and others, that is to say when he was sober and not nursing some other scheme in his head. Okay, देखिए यहाँ पर तो अकाके विच सारे मैटर को ऑब्जर्व करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उनको अब अपने ओवरकोट को पेट्रोविच के पास लेके ही जाना होगा। हु इज़ पेट्रोविच? पेट्रोविच इज़ द नेम ऑफ द टेलर जो कि फोर्थ फ्लोर में किसी डार्क स्टेयर केस के आसपास उसकी दुकान हुआ करती थी, एंड वो वन आइट था, इट मीन्स दैट उसकी आँख एक ही थी, एक नहीं थी, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स थे चारों तरफ, और वो ऑलवेज बिजी रहता था, वो इन हिज कंसिडरेबल सक्सेस, बिकॉज उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, रिपेयर करता था ऑलवेज ट्राउजर्स को, कोट्स ऑफ ऑफिशियल्स एंड अदर्स, लोगों के कोट्स एंड अदर चीज़ों को वो लाइक स्टिच वगैरह करते रहता था। दैट इज़ टू से व्हेन ही वाज सोबर एंड नॉट नर्सिंग सम अदर स्कीम्स इन हिज हेड।
और उसके बाद देखो ये ऑलवेज इस तरीके से बात किया करता था कि ये बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा सोबर है, सिंपल है, एंड इसके इसके माथे में ये स्कीम, इन सारी स्कीम के अलावा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स दैट वो एक परफेक्ट टेलर है। तो चलिए आज हम इसे यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।